अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबर आजम और साइम ऐयूब का वांबा मैच में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शानदार लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान वांबा मैच का आगाज हुआ तो पाकिस्तानी कप्तान शान मंसूर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी एक दफा फिर नाकाम साबित हुई और इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक 31 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन नंबर 3 और 4 पर बैटिंग करने आए साइम ऐयूब और बाबर आजम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और दोनों के दरमियान 296 रन की पार्टनरशिप की दौलत पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम तक 3 विकेटों के नुकसान पर 369 रन बना लिए। साइम ऐयूब ने शानदार बैटिंग करते हुए 64 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 2 नो-लुक शॉट्स भी शामिल हैं, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम ने 112 रन 166 गेंदों पर स्कोर किए और वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में इमामुल हक की जगह साइम ऐयूब को टीम में मौका देना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और साथ ही क्रिकेट से रिलेटेड ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।